कियारा जी, थैंक यू। ड्रीम में यू नो बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी हम किसी को भुलाना भी चाहते हैं, भूल भुलैया से। कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन हु आई मेट इन माई लाइफ इज एडेड टू माई लाइफ, सो डेफिनेटली नॉट, किसी को भुलाना नहीं चाहूंगी। हेलो हेलो, हाय ड्रीम गर्ल ऑन योर लेफ्ट, कियारा जी हाय। कियारा जी, यू नो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, जिस तरह से आप काम कर रही हैं। सो हेमा जी के बाद अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करती हैं आप? कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप लविंग हेमा जी, शी इज़ दी एपिटमी ऑफ ग्रेस। बट आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है, अ लॉट ऑफ लव टू देम फॉर गिविंग मी सो मच लव। आई फील वेरी हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट, बट फॉर मी आई मीन हेमा जी इज़ दी अल्टीमेट ड्रीम गर्ल। बट ये कंपेरिजन, आई थैंक यू, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। आई लव यू टू। कार्तिक जी, डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आपको उल्टा सीधा लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट कैसा लगता है आपको हाल फिलहाल में? अगर आपने कार्तिक की मम्मी बैठी है, वो कह रही है नहीं बेटा, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट हैं, वो अच्छा आंसर देंगे जो उनको भी पसंद आएगा। नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते। जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उस पर डायलॉग में। वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था वहाँ। तुमने गलत जगह कॉन्सेंट्रेट किया। I'm sure Kiara has a story. Smart on. मैं विश्वास नहीं करती हूँ, बट जब हम शूट कर रहे थे, कार्तिक और अनीस सर ने काफी प्रैंक्स किए मेरे पे। आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी। तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है, तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद इट, ना कि यहाँ पे किसी का somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years वगैरह वगैरह। तो उसका फायदा तो इनको लेना ही था, तो आप बताइए। मतलब लाइक एज इट टू से बी व्हाइल शूटिंग गाइस, हवेली का फायदा, माय बैड, ऐसे। Let me rephrase. Can you please rephrase? Yes. Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. Bas rehne de. It's a horror comedy. हाँ, तो बस कहानी वहीं पे थी, बस इतनी कहानी थी। वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था उस। हाँ, बहुत सुनसान था। अनीस भाई और कुछ? आइडिया अनीस भाई ने, इन्होंने आइडिया दिया यहाँ से। ओह,